कि क्या हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, क्या अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं, ये मुमकिन है या नामुमकिन है। तो मैं समझता हूँ आपने बात समझ गए, हाँ ये मुमकिन है, बिल्कुल ये मुमकिन है। जिन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने दिमाग के दरवाजे खोले, मतलब जब तक सोच की सलाहियत है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब वो चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, तो फिर मुश्किल है। फिर आपके हाथ चले जाए, पैर चले जाए, जिस्म चले जाए, लेकिन अगर सोच की सलाहियत है ना, चलो यहाँ तक जिस्म कट गए जंगों में, जिंदा रहे, लेकिन हाथ कट गए जिंदा रहे, सोच है तो तब्दीली है। अपने आप को खड़ा किया, चलने लगे, लिम्स लगा लिए, लेग्स लगा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, रिसर्च वर्क के लिए डेडिकेट कर दिया अपने आप को, लोगों से मदद लेके काम करवाई, कैसी कैसी जिंदगियां गुजार रहे हैं लोग। बहरहाल हम अपने आप को बदल सकते हैं अगर हम कोशिश करेंगे तो। और पॉइंट्स मैंने भरा स्पिरिचुअल से लेकर जो हम खुद कर सकते, सारे पॉइंट्स भरा रखने की कोशिश की। ये 8 पॉइंट्स मैंने आपके सामने बात रखी कि हाँ हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो क्या चेंज मुमकिन है, अपने आप को बदलना मुमकिन है? अभी हमको बोल हाँ मुमकिन है। हम अपने अंदर अच्छे कैरेक्टर्स ला सकते हैं, बुरे कैरेक्टर्स को हमने अंदर निकाल सकते हैं, हम हर किस्म का चेंज समाज में ला सकते हैं और अपने अंदर ला सकते हैं, अगर हम पक्का अज़्म कर ले एक ह्यूमन बींग होने के नाते, एज अ कम्युनिटी, एज अ रिलीजन, एज अ कंट्री या एज अ ह्यूमन रेस हम कर ले, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे अगर हम ये सोच ले कि कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए, सारे इंसान एक है, हम ये अचीव कर सकते हैं। यूरोप ने किया नहीं किया, ठीक है, कंट्रीज सब अलग है, पासपोर्ट्स अलग है, लेकिन सब एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। ये हमने ही हदूद बन रखी एक दूसरे से नफरतों का इजहार कर रहे हैं। पूरे अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं जो मिलकर बनाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन आज देखिए आप, लॉज भी अलग है उनके, स्टेट लॉज, उसके बाद भी देखिए पूरा मुल्क एक इत्तेहाद है ना। पूरा यूरोप देख लिया एक दूसरे से मिल गया, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट देखिए आप मिलजुल कर क्या तरक्की नहीं कर रहे हैं। याद रखिए हाँ बहुत कुछ हो सकता है। ये मुसलमानों में ही और एशियन कंट्रीज का ये हाल है, याद रखिए कि इनको एक दूसरे से नफरत है हर चीज़। आप गल्फ कंट्रीज जाइए, ऐसी बाउंड्रीज बन करके रखिए एक दूसरे के लिए जिसकी कोई इंतजार नहीं। लेकिन आप देखिए पूरा यूरोप ने खोल दिया अपने दरवाजे। आपके आज यूके का पासपोर्ट है, आप यूरोप की किसी कंट्री में जाइए, आपको कोई मस्ता नहीं है, सिर्फ दाखिला करते हो, इस टाइम हो गया खत्म, आप आ गए उस मुल्क में, हो गया। ये सब होता है, याद रखिए। तो इतिहाद के फायदे उठाए उन्होंने, अपने अंदर चेंज लाया, मोहब्बतों के साथ रहा। हालांकि वर्ल्ड वार वन भी उन्होंने करा, वर्ल्ड वार टू भी उन्होंने किया, लेकिन फिर भी बदला अपने आप। इतना लड़ने के बाद भी आज मिलकर रह रहे हैं ना। यस वी कैन चेंज, हम तब्दील ला सकते हैं अगर हम इरादा कर ले। तो बहरहाल ये चंद नुकात थे जो मैंने अहम समझी। क्या कि इंसान अपने आप को तब्दील कर सकता? हाँ, एक इंसान अपने आप को तब्दील कर सकता है, बस पक्का इरादा और अज़्म हो तो सब कुछ बहरहाल मुमकिन है। और पॉइंट्स मैंने आपके सामने 8 रखे अपने आप को चेंज करने के लिए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा और हम अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को वाकई में हकीकत में अपने आप को अंदर से तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।